मेरठ के सभी संभ्रांत नागरिकों को, यहाँ के बुद्धिजीवियों को बधाई देता हूँ। हमारी मेरठ की धरती ने खिलाड़ी पैदा किए जिन्होंने देश का नाम रोशन किया, अपने घर परिवार को आज उनसे बहुत गर्व है, बहुत उम्मीदें हैं। हम किरण बालियान के घर हैं और ये उम्मीद की किरण हमें दिखाई देती है। आगे और कुछ करेगी, बहुत कुछ जीतेगी, ओलंपिक्स पे भी इनका फोकस है। परिवार से मैंने बातचीत की, मुझे महसूस हुआ कि आज उत्तर प्रदेश का खिलाड़ी वो चाहता है कि खेल को और विकसित करने के लिए मुझ जैसे लोगों का ध्यान जाना चाहिए, जो नीति निर्धारक हैं, जो आज उस स्थिति में हैं, जो कुछ कर सकते हैं। हम लोगों का पूरा ख्याल जाना चाहिए कि कैसे आगे और खिलाड़ी पैदा हो, क्योंकि जो नौजवान खेल की तरफ आकर्षित होता है वो सही रास्ते पर चल पड़ता है, वरना इतना फ्रस्ट्रेशन होता है। लोगों को नौकरी नहीं मिल रही, गांवों में कोई आर्थिक तंगी है, इतनी समस्याएं हैं, उससे हर नौजवान को जूझना है। हम नहीं चाहते कि नौजवान डिप्रेशन में जाएं, फ्रस्ट्रेशन में जाएं, गलत काम करें। तो सबसे बेहतर तालीम, सबसे अच्छी शिक्षा तो खेल से है। खेल में आदमी अनुशासन सीखता है, अपने बदन, अपने शरीर, अपने दिमाग को सब कुछ साध के चलना सीखता है और लाइफ में उसके लिए सारी चीजें संभावना बन जाती है। तो हम चाहते हैं मेरठ के हर गांव में किरण बालियान जैसी प्रतिभाएं विकसित हों, और मैंने भी तय किया है, क्योंकि मेरे पास जो निधि जाती है विकास की निधि, मैं 100% खेल के, जहां आधारिक संरचना नहीं है, स्टेडियम का निर्माण हो, रनिंग ट्रैक हो, खेल का इक्विपमेंट देकर अगर गांव में खिलाड़ी पैदा हो जाए, मेरा पूरा प्रयास है। कहां कहां जाएंगे आप, कौन कौन से? आज 3 जगह, इसके बाद इकलौता है और बहादुरपुर में भी प्रोग्राम है। और देखो, इन कार्यक्रमों में हमारा मैसेज सभी खिलाड़ियों के लिए, ये भी महसूस ना करें जो खिलाड़ी गए एशियाड में नहीं जीत पाए, वो आगे और सुधार करेंगे और जीतेंगे। जैन जी, लगातार यहाँ मेरठ में एक चीज देखने को मिल रही है, वेस्ट, ये संजीव बालियान कह रहे हैं वेस्ट यूपी अलग हो, संगीत सोम कह रहे हैं कि इसको दिल्ली में जोड़ना चाहिए, क्या ये राजनीतिक हिस्सा है, क्या कहना है? पब्लिक की पंचायत न करके पहले अपने घर में पंचायत बैठक करके तय कर लें क्या करना चाह रहे हैं। राष्ट्रीय लोकदल का क्या कहना है इस मामले में? देखो, हमारा तो कहना पहले से ही रहा, सरकार इनकी है, ये सारे जनप्रतिनिधि इनके हैं, यही बातें करके जीत के आए थे, 10 साल बाद अब हिसाब नहीं देना चाह रहे, दोबारा चर्चा कर रहे हैं, तो चर्चा ना छेड़ो, अब काम करने का टाइम है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की लड़ाई सामने आई है, वहाँ बहुत सारे समाजवादी पार्टी ने पहले ही प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं, एनडीए का साथ होता कैसे चलेगा? देखिए, इंडिया का साथ, आप एनडीए के घटक दलों का भी पूछो जो राजस्थान में भी चुनाव लड़ेंगे, क्या बीजेपी उनको सीट देगी? दुष्यंत चौटाला उनके सरकार में शामिल है हरियाणा में, क्या राजस्थान में बीजेपी उनको स्पेस दे रही है? तो हर पॉलिटिकल पार्टी की अपनी लड़ाई होती है, अपने वर्चस्व की भी लड़ाई है, अपने मुद्दों पर भी लड़ाई है, लेकिन इंडिया के जितने घटक दल हैं, कम से कम देश के लिए, राष्ट्र के बड़े मुद्दों पे हमें समाजवादी पार्टी क्या, अच्छा सुनो, आज पार्टी राजनीति छोड़ दो ना, समाजवादी पार्टी क्या प्रेशर की राजनीति, आज ना कोई पार्टी ना कोई राजनीति, आज तो हम जो है खेल की उपलब्धियों को जनता को गिनाने के लिए, हम जो गौरव महसूस कर रहे हैं उसे व्यक्त करने के लिए और इनकी जीत की खुशी की मिठाई खाने के लिए आए। क्या मेरठ, क्या मेरठ राजधानी बनना चाहिए, क्या मेरठ राजधानी बनना चाहिए? मेरठ उत्तर भारत के खेल जगत का राजधानी बनेगा। थैंक यू।